बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है। फिगर शोज दी सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ये सर्कल में इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रहा है। रेडियस, पीरियड, सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन एंड इनिशियल पोजीशन आर इंडिकेटेड। इनिशियली यहाँ पे है, घूम ऐसे रहा है, टाइम पीरियड इतना दिया हुआ है, ठीक है, और रेडियस यहाँ पे बी दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल पी इज। पहले एक सर्कल बना लेते हैं, मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल को चार भाग में बांट दो, ठीक है। अब देखो पार्टिकल यहां पे है, तो ये है मेरा मीन पोजीशन और ये है मेरा प्लस ए। इसको प्लस ए नहीं लिखेंगे, प्लस बी लिखेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड रेडियस प्लस बी के टर्म्स में दिया हुआ है। ये माइनस बी है और पार्टिकल सपोज करो कि यहाँ से घूम करके यहाँ पे पहुंचा, तो ये इसका रेडियस वेक्टर हो गया बी, और इसका प्रोजेक्शन बोला था एक्स में कितना होगा, तो ये मान लो कि एक्स हो गया और ये बी हो गया। और हमने इस तरह से यहाँ पे देखा कि ये थीटा एंगल घूम करके आया था, ठीक है, कितना एंगल घूम के आया था, थीटा एंगल, और थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा क्या होता है, 2π/t इंटू टी, ये हमने पता कर लिया। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल ऐसे। तो हम इसको एक्स को परपेंडिकुलर और बी को हाइपोटेनस मान के साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा b साइन थीटा, और थीटा क्या होता है, ओमेगा t, तो b साइन ओमेगा t, और ओमेगा कितना लिखा हमने, 2π/t, t कितना दिया, 30। तो ऑप्शन नंबर देखो ए वाला, x बराबर b साइन ओमेगा t, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।